भाई मेरी 87 साल की उम्र से लाडो देवी नाम से और द्वारका के रहने वाले से और मेरे गले में दिक्कत होने लग गई थी, गाठ सी पड़ गई थी, होगी थी मेरे गले में नहीं होगी थी भाई, कान कून में दर्द हो गया, खाना पीना बंद हो रहा था। फिर मैंने किधर हॉस्पिटल में दिखाया, उन्हें सीटी स्कैन कराया, उन्हें बताई कि गले में गाँठ से दादा सी दिक्कत होने लग गई खान पीन की। फिर किसी ने बताया कि सुरेंद्र डबास से व्हील के मैक्स में और उन्हें दिखाओ। मैं डॉक्टर सुरेंद्र डबास, सीनियर डायरेक्टर एंड HOD ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एट BLK मैक्स कैंसर सेंटर। जैसे हमारी माताजी हैं, ये हमारे पास आती हैं, सी इज़ अराउंड 87 ईयर ओल्ड, और इनको जो कैंसर था वो वॉइस बॉक्स में था, जो हमारे वॉइस और फूड पाइप के बीच में एक एरिया होता है जिसको हम AE फोल्ड कहते हैं। इनकी दिक्कत थी कि आवाज़ चेंज हो गई थी और खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, तो हमारे पास आती हैं, तो इसमें Stage 1 और Stage 2 कैंसर में कह सकता हूँ। फिर हमारा इनके मिल ली डॉक्टर सुरेंद्र डबास ने हमारा देखभाल का तक तो कर सही तरह ऑपरेशन कराया, रॉबर्ट का ऑपरेशन कराया, मैंने कोई दिक्कत नहीं हुई, सही ऑपरेशन हो गया, सारे चेकअप किए। हमारे पास दो ऑप्शंस थी, एक ऑप्शन की मैं इनको कीमो प्लस रेडिएशन दूँ, जो करीबन 7 वीक्स का ट्रीटमेंट है, जिसमें हर हफ्ते में एक कीमो और हर हफ्ते में 5 रेडिएशन फॉर 7 वीक्स। हर हफ्ते कीमो लगवाना, 5 दिन रेडिएशन ले आना, 87 ईयर ओल्ड उम्र, तो आई वॉज सरप्राइज कि क्या वो टॉलरेट कर पाएंगी इस ट्रीटमेंट को और नहीं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास रोबोटिक सर्जरी था। अब हमने चूज़ किया कि 87 ईयर ओल्ड में ये ऑपरेशन ही ज़्यादा झेल पाएंगी, कीमो प्लस रेडिएशन नहीं झेल पाएंगी। सर्जरी की, सर्जरी के विद इन ए डे सो फास्ट रिकवरी दिखाई इन्होंने। इनका अंदर का ऑपरेशन भी, थ्रोट का और गर्दन दोनों रोबोटिक किए, कहीं कोई निशान नहीं आया, खाना पीना बोलना चलना सब कुछ ठीक, नाक की जो फीडिंग ट्यूब है हफ्ते में निकल गई, बोलने में आवाज़ डे बाई डे बेटर होगी, कितना अच्छा बोल रही है अभी। डॉक्टर डबास, सुरेंद्र डबास का, BLK मैक्स हॉस्पिटल का और सारी टीम का धन्यवाद करूँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक सोई। सो हमारी माताजी ने इस सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है, वॉइस वाइज भी और खाने पीने वाइज भी। और मैं क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमेशा डर रहता है कि दोबारा तो नहीं आ जाएंगी, तो मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माताजी अपनी हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।